प्रदेश में बारिश अंदर से फसलों को नुकसान पहुंचा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिए, किसानों के फसल खराब होने पर जल्द आकलन किया जाए और किसानों को फसल खराब होने का उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता अपनी जगह है और साथ ही किसानों को जो नुकसान हुआ उसका आकलन करेंगे अधिकारी और किसानों को तुरंत रूप से राहत मिल सके इसके लिए उन्हें मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन नायक कहे जाते हैं, किसानों के हितेशी कहे जाते हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कल प्रदेश में तेज अंधड़ और तेज बारिश हुई जिसके चलते जन हानि तो हुई लेकिन साथ ही साथ किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। नीरज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हमेशा से ही किसानों का हितेशी कहा जाता है और जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता है। कल तेज अंधड़ हुई, तेज बारिश हुई, जनहानि के साथ साथ किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार संहिता अपनी जगह है लेकिन किसानों को जो नुकसान हुआ उसका आकलन किया जाएगा। ज्योति, आपको बता दूं कि पहले से ही नियम बने हुए हैं कि जब भी इस तरह की आपदा होती है तो किसानों को राहत दी जाती है सरकार की ओर से, और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि आचार संहिता अपनी जगह है लेकिन प्रशासन अपनी जगह काम करता है, क्योंकि जब किसानों पर इस तरह की आपदा आती है तो जो सरकारी महकमा है, पटवारी है और अन्य लोग है, वो इस बात का आकलन करेंगे कि किसानों को इस आफत की बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इससे कितना नुकसान हुआ है, वो इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे और सरकार को पेश करेंगे। उसके बाद जो है सरकार जिला स्तर पर जो जिला कलेक्टर को अधिकार है कि वो उनको राहत प्रदान करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला कलेक्टर अपने अपने इलाके में और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दें कि उनके इलाके में कितनी फसलों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस समय फसलें लोगों की कट चुकी है, खेतों कुछ की खेतों में पड़ी हुई है, कुछ की फसल निकालनी थी, और ऐसे समय में जिस तरह का अंधड़ ओलावृष्टि और बरसात आई है उससे किसानों को ये बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फसलें तैयार थी वो सब बर्बाद हो जाती है। अधिकांश फसलें या तो काली पड़ जाती है या फिर उनका जो है भाव जो है बाजार में नहीं लगता है या वो फसलें खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए और राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत ने साफ तौर पर अधिकारियों को कह दिया है, निर्देश दे दिया है और जल्द ही किसानों को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ज्योति जी, नीरज, इस तरह से अभी खबर आ रही थी कि राजस्थान में मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है और तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है, यानी कि प्रदेश में किसानों को भारी नुकसान की संभावना है। तो जैसे कि आपने बताया कि आचार संहिता अपनी जगह लेकिन प्रशासन अपनी जगह काम करेगा। तमाम जानकारी देने के लिए नीरज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि वो किसानों को जो नुकसान हुआ उसका आकलन करें और साथ ही साथ रिपोर्ट पेश करें और किसानों को तुरंत रूप से राहत देने के लिए उन्हें मुआवजा देने के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए।